स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटीज़ के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन से प्रमुख टॉप 10 सिटीज़ है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इन शहरों की रैंकिंग परचेजिंग पावर पैरिटी अर्थात टोटल GDP PPP के आधार पर किया गया है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर स्थान हासिल किया है विशाखापट्टनम ने, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम, जिसको वाइजेक के नाम से भी जाना जाता है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी सिटी है। विशाखापट्टनम भारत की एक कोस्टल सिटी और ट्रेडिंग सेंटर होने के कारण काफी तेजी से विकास कर रहा है। इसको इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस शहर में इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स काफी तेजी से फल फूल रहा है। इतना ही नहीं, वर्तमान में विशाखापट्टनम हमारे देश का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है। GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर विशाखापट्टनम की कुल GDP 48.5 बिलियन US डॉलर है। नंबर 9 पर स्थान हासिल किया है सूरत शहर ने, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। और आपको बता दें कि सूरत वर्तमान में विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। सूरत शहर डायमंड इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी वजह से सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया एवं सिल्क सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि सूरत शहर को सूर्य नगरी या सिटी ऑफ सन के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में सूरत रियल इस्टेट सेक्टर और IT सेक्टर में भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। सूरत भारत की सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी है और रहने के हिसाब से भारत की पांचवी मोस्ट लिवेबल सिटी है, अर्थात मेजर नेशनल इंडेक्सेस में सूरत ने अपना स्थान हासिल किया है। GDP परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर सूरत की कुल GDP 59.8 बिलियन US डॉलर है। नंबर 8 पर अहमदाबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और कपड़ा उद्योग अहमदाबाद शहर की इकोनॉमी का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। अहमदाबाद को टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया या मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन वर्तमान समय में सर्विस सेक्टर और IT सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल इस्टेट सेक्टर भी काफी तेजी से फल फूल रहा है, खासकर वेस्ट अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट, जो कि वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रंट है, इसके डेवलपमेंट के कारण अहमदाबाद में टूरिज्म के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण किया गया है, और यह क्रिकेट स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव में स्थित है। अतः खेल जगत में भी अहमदाबाद ने अपना नाम रोशन किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से अहमदाबाद भारत का तीसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। अहमदाबाद की टोटल GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 68 बिलियन US डॉलर है। नंबर 7 पर पुणे शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह महाराष्ट्र की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है। पुणे शहर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से पुणे शहर काफी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, अतः यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री हब बनने की ओर अग्रसर है। खासकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सेक्टर में काफी तेजी से ग्रोथ दर्ज किया गया है। इसके साथ ही IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसके कारण रियल इस्टेट सेक्टर में भी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की, तो पुणे शहर में रिच हिस्ट्री और शानदार लैंडस्केप होने के कारण यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहा है। रहने लायक शहरों के दृष्टिकोण से पुणे भारत का दूसरा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। पुणे शहर की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 69 बिलियन US डॉलर है। नंबर 6 पर हैदराबाद ने स्थान हासिल किया है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य की राजधानी है एवं तेलंगाना राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हैदराबाद शहर वर्तमान में हमारे देश का एक प्रमुख IT हब बन चुका है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। ज्वेलरी के क्षेत्र में हैदराबाद पूरे देश में प्रसिद्ध है, खासकर पर्ल्स अर्थात मोतियों की ट्रेडिंग और प्रोसेसिंग इस शहर में लंबे समय से की जा रही है, इसीलिए हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है कि हैदराबादी बिरयानी के लिए भी यह विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
अगर बात करें टूरिज्म सेक्टर की तो यहाँ का पर्यटन उद्योग पहले से ही अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। चार मीनार जैसे पर्यटन केंद्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि हैदराबाद विश्व का चौथा सबसे तेजी से ग्रो करने वाला शहर है। हैदराबाद की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 83.5 बिलियन $ है। नंबर 5 पर स्थान प्राप्त किया है चेन्नई ने, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु राज्य की राजधानी होने के साथ ही तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या की दृष्टिकोण से चेन्नई भारत का छठा सबसे बड़ा शहर और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या की दृष्टिकोण से भारत का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। चेन्नई की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यहां की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इन्हीं कारणों से चेन्नई को डिट्रॉयट ऑफ साउथ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में IT सेक्टर, सर्विस सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। यहाँ की बीचेस, टेम्पल्स और लेक्स पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र है। चेन्नई वर्ल्ड की 9th फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। इसके साथ ही रहने लायक शहरों की सूची में चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। मैंने भारत के टॉप 10 रहने लायक शहरों के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें। चेन्नई शहर की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 86 बिलियन $ है। नंबर 4 पर बेंगलुरु शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि कर्नाटका राज्य में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। जनसंख्या के हिसाब से बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन एरिया भारत का पांचवा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। जैसा कि आपको पता है कि बेंगलुरु इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का IT हब बन चुका है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बेंगलुरु को IT कैपिटल ऑफ इंडिया और गार्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं। इंडिया के टोटल IT एक्सपोर्ट्स का बेंगलुरु अकेले 40% से ऊपर कंट्रीब्यूट करता है। अगर बात करें अन्य सेक्टर्स की तो वर्तमान में सर्विस सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। बेंगलुरु वर्ल्ड की 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है। रहने लायक शहरों की सूची में बेंगलुरु भारत का सबसे अच्छा रहने लायक शहर है, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। इसकी टोटल GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 110 बिलियन $ है। नंबर 3 पर कोलकाता शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से कोलकाता भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है और कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। कोलकाता सिटी को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। कोलकाता में सर्विस सेक्टर और हाल के दिनों में IT सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। कोलकाता का सॉल्ट लेक सिटी पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे ईस्टर्न इंडिया में IT हब के रूप में उभर रहा है। कोलकाता का टूरिज्म सेक्टर काफी पहले से ही कोलकाता की इकोनॉमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, काली घाट, बिरला मंदिर, दक्षिणेश्वर, निको पार्क और कोलकाता की दुर्गा पूजा पर्यटन के प्रमुख आकर्षण केंद्र हैं। कोलकाता एक समय भारत की राजधानी भी हुआ करती थी। वर्तमान में कोलकाता की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 250 बिलियन $ है। नंबर 2 पर दिल्ली शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि भारत की राजधानी है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन पॉपुलेशन की तो सेंट्रल नेशनल कैपिटल रीजन भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी है। अगर NCR में केवल दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सर्विस सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और दिल्ली शहर के आसपास का क्षेत्र जैसे कि गुरुग्राम, नोएडा और ग्रेटर नोएडा IT हब और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, अक्षरधाम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, जमा मस्जिद इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। रहने लायक शहरों की सूची में दिल्ली भारत का 13th मोस्ट लिवेबल सिटी है। इस शहर को मल्टी कल्चरल हब ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 293.6 बिलियन $ है। नंबर 1 पर मुंबई शहर ने स्थान हासिल किया है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह महाराष्ट्र राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसके साथ ही वर्तमान में जनसंख्या के हिसाब से मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया जनसंख्या के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो सिटी है। मुंबई फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में ही स्थित है। इसके साथ ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मुंबई शहर में ही लोकेटेड हैं। अर्थात मुंबई हमारे देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इसीलिए मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश की टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में मुंबई अकेले 25% कंट्रीब्यूट करता है। भारत का 70% ऑफ मैरिटाइम ट्रेड और 70% ऑफ कैपिटल ट्रांजेक्शन मुंबई शहर से किया जाता है। मुंबई शहर में भारत के सबसे ज्यादा अरबपति निवास करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई में धारावी जैसा स्लम भी मौजूद है। लेकिन जो भी हो, मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स के नाम से जाना जाता है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई ने काफी तेजी से विकास किया है और रियल इस्टेट सेक्टर भी काफी वर्षों से फल फूल रहा है। मुंबई की प्रॉपर्टीज भारत की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज होती है। मुंबई की अर्थव्यवस्था में बॉलीवुड इंडस्ट्री भी एक प्रमुख कंट्रीब्यूटर है। गेटवे ऑफ इंडिया, बांद्रा वर्ली सी लिंक, द वर्ल्ड वन टावर, ताज होटल, एलिफेंटा केव्स, जुहू चौपाटी, सिद्धि विनायक टेम्पल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, हाजी अली दरगाह इत्यादि प्रमुख पर्यटन के आकर्षण केंद्र हैं। वर्तमान में मुंबई के सब अर्बन एरियाज जैसे कि नवी मुंबई में आईटी सेक्टर भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। रहने लायक शहरों की सूची में मुंबई भारत का 10वां सबसे अच्छा रहने लायक शहर है। केवल मुंबई शहर की GDP परचेजिंग पावर पैरिटी 310 बिलियन US डॉलर है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया की GDP PPP लगभग 400 बिलियन US डॉलर है। तो यह था भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के बारे में जानकारी, जिनको GDP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से सूचीबद्ध किया गया है। स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करके भारत की टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज की वीडियो को जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।